क्या फीमेल ओरिएंटेड वेब सीरीज ने मारी बाजी? कौन सी वेब सीरीज के सीजन आ रहे हैं ऑडियंस की डिमांड पर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। लॉकडाउन की वजह से हम सब का बड़ा नुकसान हुआ। हम सब इतने बोर्ड हो चुके थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ना फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, ना थिएटर्स खुले थे, था तो बस कुछ वेब सीरीज का सहारा। जी हाँ, लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म को इतना फेमस कर दिया कि जिसे पता भी नहीं था कि OTT क्या है उन्हें भी पता चलने लगा। सच में वेब सीरीज ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया और कुछ वेब सीरीज तो इतनी एंटरटेनिंग होती हैं, एंगेज रखती हैं कि हम दिन भर TV के सामने से हिल नहीं पाते। उस दौरान तो बहुत कम वेब सीरीज ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर अब तो जैसे मेला लगा हो, जिसे हम कहेंगे वेब सीरीज मेला 2022। तो आपको बता दें कि 2022 का अप्रैल महीना काफ़ी खास होगा। इस दौरान कई धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले बात करते हैं बॉबी देओल की आश्रम की, तीसरा जिसका पार्ट आने वाला है ऑडियंस की तगड़ी डिमांड पर। ये सीरीज हमें बताती है कि एक ढोंगी बाबा के असली रंग के बारे में, जिसमें काफ़ी पॉलिटिक्स और मसाला है। इसके 10 एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे, पर इसे देखने के लिए आपको अगस्त महीने तक रुकना पड़ेगा जब ये सीरीज रिलीज होगी। जो अगली वेब सीरीज है वो भी फैंस की डिमांड पर तीसरा सीजन लेके आ रही है, जिसका नाम है अभय सीजन 3। इसमें सुपर कॉप अभय बने हैं वेरी डैशिंग एंड हैंडसम कुणाल खेमू, जो दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के क्राइम्स को ढूंढते हुए और उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे विजय राज, जिन्हें हमें गंगूबाई काठियावाड़ी में रजिया के किरदार में देखा। इसमें एंग्री यंग मैन कुणाल काफ़ी हटके किरदार करने वाले हैं। वैसे राजकुमार राव ने वेब सीरीज के लिए समय निकाल ही लिया। उनका साथ देने आ रहे हैं दलकेर सलमान, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। उनकी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स काफ़ी चर्चा में है, जिसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस की नहीं गई। इसका नाम ही काफ़ी हटके है और उसके साथ खास बात ये है कि ये आपको 90s के दौर की सैर कराएगी, जिसमें आपको रोमांस और एक अलग लेवल का ह्यूमर देखने को मिलेगा। वेब सीरीज के मामले में औरतें भी पीछे नहीं हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें औरत के दर्द, इमोशंस और उसके अंदर की सुपर पावर पर भी फोकस किया जाता है। अगली जो वेब सीरीज है उसका नाम है माई। माई का मतलब होता है माँ। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी के हत्यारे को पकड़वाने के लिए लड़ रही है, जिसका किरदार निभा रही हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस साक्षी तनवर। इस सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और साक्षी का अवतार देखकर उन्हें श्रीदेवी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये आपको देखने को मिलेगी 15 अप्रैल 2022 को। अगली लेडी बॉस का नाम है वर्तिका चतुर्वेदी। एक ऐसी इंस्पेक्टर जो क्रिमिनल दुनिया से लड़ने के लिए लोगों का सहारा बनी है, जिसका नाम है दिल्ली क्राइम। इसका भी दूसरा सीजन आ रहा है। ऑडियंस की लगातार डिमांड पर जबरदस्त एक्ट्रेस और जिन्हें हमने जलसा में दमदार परफॉर्मेंस करते देखा है, ऐसी शेफाली शाह लीड रोल में नजर आएंगी। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं मराठी के फेमस डायरेक्टर राजेश मापुसकर। ये भी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में रिलीज होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक्टर्स के साथ साथ एक्ट्रेसेस भी दमदार कहानियों को पेश करने में पीछे नहीं हैं। तो ये थी कुछ पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने वाली वेब सीरीज जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप कौन सी वेब सीरीज देखने के लिए एक्साइटेड हैं, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।